इट्स अराउंड 6 o'clock. अभी हम जिम के लिए निकलने वाले हैं. बिफोर जिम जस्ट थोड़ा सा कॉफी बना रहा हूँ. खुश इज नॉट हैविंग बिकॉज वो मूड में नहीं है. बट अ क्विक अपडेट ऑन माई शोल्डर. अभी काफी बेटर हो गया है. लास्ट 2 हफ्तों से आई बीन गोइंग लाइट. ज्यादा आई एम नॉट चैलेंजिंग माई सेल्फ स्पेशली प्रेसिंग मूवमेंट्स में. OHP तो बीच में मैंने बंद ही कर दिया था. डंबल प्रेस मैंने लास्ट टाइम किया बट आई वेंट लाइट. आई डिड 32s फॉर 10 to 12 वाला रेप रेंज. आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल राइट नाउ. आज भी वी आर ट्रेनिंग चेस्ट एंड बैक. आई एम एक्साइटेड. टुडे आल्सो आई विल गो लाइट. अगर मूड ज्यादा हो गया तो आई डू 35. अगर जोश आ गया तो. तो जब कॉफी बनाता है यू पुट इट इन दैट और यू पुट इन द ग्लास. आई पुट इट डायरेक्टली अप योर इन द ग्लास ऑलवेज. या सेम. बाय द वे अभी आई एम ईटिंग माय सेकंड मील आल्सो. राजमा चावल. घर पे रोज लंच में या तो दाल चावल बनता है राजमा चावल बनता है समटाइम्स चना वना. बट नाउडेज आई स्टार्टेड ईटिंग एक मील जो भी घर पे बनता है वही. पहले मैं ऐसे नहीं खाता था जो घर पे बनता था ना. आई यूज टू ऑलवेज हैव माय सेपरेट फूड बट आई डोंट नो सडनली मुझे ये पसंद आने लगा. एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था ना जूनियर कॉलेज 11th 12th उस फेज में मैंने दाल चावल हर रोज़ खाया टिफिन में. एंड इट वॉज लाइक इट यूज टू बी वेरी कोल्ड. तो उसकी वजह से मेरे को PTSD होने लगा था वह दाल चावल. लाइक मेरे घर पे रोज बनता था बट फॉर 2-3 ईयर्स आई डाउट मैंने एक भी बाइट खाया रहेगा उसका. एंड नाउ सडनली आई लाइक इट अगेन. ओके प्री वर्कआउट मील हो गया है. अभी आई एम जस्ट गोना हैव मसल बेस का बायोजेम क्लियर ओमेगा 3 एक टैबलेट खाऊंगा. इसके एक सर्विंग में आपको मिलेंगे 1250 mg ऑफ फिश ऑयल अलॉन्ग विद 500 mg EPA एंड 375 mg DHA. अगर आप ध्यान से देखोगे यू विल नोटिस दैट ये फिश ऑयल बाकी फिश ऑयल से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है. इट डजंट हैव दैट एक्सेसिव येलो कलर एंड दैट इज बिकॉज इसकी टोटल ऑक्सीडेशन वैल्यू 5 से कम है. विच मीन्स कि इसमें कोई हैवी मेटल या इम्प्योरिटीज नहीं है. ऑल्सो देयर इज नो फिशी स्मेल ऑफ बर्ब्स. ऑल्सो ये फिश ऑयल सोर्स किया गया है फ्रॉम गोल्डन ओमेगा इन चिली विच हैज सर्टिफिकेशन फ्रॉम टॉप इंटरनेशनल बॉडीज लाइक IFOS फ्रेंड्स ऑफ द सी एक्सेट्रा. तो इसे परचेस करने के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन क्लिक द फर्स्ट लिंक एंड यूज माई डिस्काउंट कोड RN30. ओके सो जेली बेली ने क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू यू ट्रेन योर चेस्ट एंड बैक ऑन द सेम डे. इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन. तो कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है. इनफैक्ट इस स्प्लिट में चेस्ट एंड बैक साथ में होना इज काइंड ऑफ लाइक अ डिसएडवांटेज बिकॉज काफी थकान हो जाती है. बिकॉज चेस्ट एंड बैक दोनों में ऐसे मूवमेंट्स रहते हैं जो मतलब काफी ड्रेन कर देते हैं तुमको. लाइक आफ्टर बेंचिंग देन यू हैव टू इवन डू रोज एंड पुल अप्स एंड ये सब. तो काफ़ी टायरिंग डे होता है. बट द रीजन आई डू द स्प्लिट इज बिकॉज तो मेरा स्प्लिट क्या है चेस्ट एंड बैक आर्म्स एंड शोल्डर्स एंड लेग्स. आर्म्स एंड शोल्डर्स वाला डे मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई लव ट्रेनिंग आर्म्स सेपरेटली लाइक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक टाइम पे साथ में. एंड द सेकेंड थिंग आई लाइक अबाउट दैट डे इज मुझे शोल्डर्स फ्रेश ट्रेन करने में मज़ा आता है. प्लस इट्स अ वीक पॉइंट इन माई फिजिक. सो OHP आफ्टर डूइंग बेंच प्रेस एंड एवरीथिंग वर्सेज OHP अगर तुम फ्रेश हो there's a big difference. Jumped out the coupe with the black inside, you would think I'm racist. Smoking cookie in Atlanta everywhere, you would think it's recreation. You already know we made it, you ain't gotta say shit. Some of the trap with leaks, some of the trap with bacon. Junior say I bring the bay, I bring the bay out. He won't talk, we bring the gay, I let the spray now. They gon' walk right in that pack, we beat it up, pack y'all. Invade your block, we stay on top, ain't nobody safe now. Go. Go, 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 go. From the north to the mall, 500K just to host. Go, 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 go. It never too knows. Pack my bags and go, 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 go. Serve me a brick at the stove. Looking like Shaq in the post. Go, 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 go,
काफ़ी हाई वॉल्यूम वर्कआउट था आज. इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस ये इंजरी के पहले व्हेन आई डिड सच अ हाई वॉल्यूम वर्कआउट. यूजुअली जब भी ऑप्शन रहता है टू डू अ सर्टेन वेट फॉर 12 रेप्स वर्सेस उससे थोड़ा सा हैवी ऑफ 7-8 रेप्स वाला वेट ऑलवेज ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है एटलीस्ट मुझे बिकॉज द वेट इज़ थोड़ा सा मोर एंड ईगो गेट सेटिस्फाइड. बट बिकॉज ऑफ दिस स्लाइट इंजरी अभी मैं लास्ट 2-3 सेशन से ऐसे ही ट्रेन कर रहा हूँ गोइंग वेरी लाइट. लाइक आज मैंने 32.5 किए फॉर लाइक 2 sets of 12 एंड देन 3rd set for 10 और समथिंग. एंड आई रियलाइज कि मैंने काफ़ी टाइम में ऐसे ट्रेन नहीं किया था बिकॉज द ऑप्शन वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू गो थोड़ा हैवियर. बट ऐसे लाइट ट्रेन करने में भी काफ़ी मजा आया. एंड देन आई डिड डिप्स टुडे इंस्टेड ऑफ द चेस्ट प्रेस मशीन. पता नहीं आज मेरा मन ही नहीं किया चेस्ट प्रेस मशीन करने का. आई वॉज लाइक डिप्स ही करते हैं. एंड गुड न्यूज़ इज दैट डिप्स में भी आई डेंट फील एनी डिसकम्फर्ट. यूजली डिप्स ऐसा एक्सरसाइज रहता है जो शोल्डर को सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजिशन में रख सकता है. बट इवन इन दैट आई डेंट फील एनी थिंग सो आई थिंक इट्स फुली रिकवर्ड. बट अभी बिकॉज मैं इतने टाइम से लाइट ट्रेन कर रहा हूँ ना आई फील लाइक थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी कम हो गया. साला ये दुख का खत्म नहीं होता. ऑल्सो आज वो वायरलेस माइक नहीं था विच इज वाई कुडंट टॉक मच इन द जिम. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिम में बात करना अनलेस आई हैव दैट माइक क्योंकि इस माइक के साथ मुझे बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है एंड वो म्यूजिक भी बज रहा रहता है एंड इट जस्ट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल. आई हेट इट बट वो माइक के साथ बहुत अच्छा लगता है. सो या लास्ट 3-4 वीडियोस वर लाइक दैट. लेट मी नो व्हिच फॉर्मेट यू गाइस लाइक मोर. दैट्स व्हाई आई डिडंट टॉक टुडे. म्यूजिक में जिम में म्यूजिक भी बहुत लगता है.